साथ अजय सैनी, मैनेजिंग डायरेक्टर रेडको सारे आई टी एंड स्पेस ग्रुप हरियाणा। रेडको सारे आई टी के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, वो एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि हर एक युवा अपनी स्किल्स को बढ़ाए और हरियाणा की तरक्की में अपने कदमों को आगे बढ़ाए। इसके लिए आरआईटी इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया, जिला रेडको सोसाइटी और स्पेस वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा मिलकर आरआईटी रेड क्रॉस इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हर एक फर्स्ट क्लास से लेकर स्कूल लेवल तक, कॉलेज लेवल तक और एक हाउसवाइफ से लेकर एक एक्स सर्विसमैन तक हर एक पर्सन को कंप्यूटर में, आईटी में उनको स्किल्ड करना, एडवांस आईटी के तौर पे उनको सब फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट चीज आज के टाइम में उनको स्किल, लिखना चलना खाना पीना हर कहीं उसको प्रोवाइड हो जाता है, पर मेन उसकी विल पावर को बढ़ाने का जो काम होता है वो रेड क्रॉस आरआईटी के द्वारा किया जाता है। रेड क्रॉस आरआईटी के अंदर बच्चा अपनी कंप्यूटर आईटी एजुकेशन, एडवांस आईटी के साथ साथ बच्चा अपनी इनर विल, इनर स्किल को भी साथ साथ बढ़ाता है। और मैं यही आप आईटी के होना हमारे लोगों को आप ध्यान से देखें और ऑब्जर्व करें कि उन्होंने कितना कुछ सीखा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Hello everyone watching this video. My name is Ashika. My father's name is Shri Mila. He is a businessman. I am reading in 9th class from Senegal Senior Standard School. I am also doing ACCES Pro course from RIT with roll number 602. I want to be a bank manager. My journey with RIT was, I was not aware about the computer and all other courses. Here I got a vast knowledge of IT, especially MS Office on study. Now I am able to type in English as well as in Hindi also. मैंने यहाँ से ACCES Pro course किया है, जो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैंने यहाँ से 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की है, जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिले, जैसे MS Office, C language, Assembly, HTML, Account, जो मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स क्लास, जो कि महीने में एक बार होती है। पहले मुझे स्टेज पर जाने से डर लगता था और मैंने माइक को तो टच भी नहीं किया था, परंतु RIT ने मेरे स्टेज के डर को दूर किया। और पहले मुझे मेरे लक्ष्य के बारे में भी पता नहीं था, परंतु यहाँ आकर मुझे मेरे लक्ष्य के बारे में अब बताइए। वादा करती हूँ कि 2026 तक मैं बैंक मैनेजर बनूंगी। इसके टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ, प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल क्या होती है? जब हम अपनी बात को किसी मीटिंग या किसी ग्रुप में बताते हैं तो उसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रेजेंटेशन देने के कुछ तरीके। फर्स्ट, प्लानिंग। हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी प्लानिंग करनी चाहिए, तभी वह कार्य अच्छा हो पाएगा। सेकंड, प्रिपरेशन। हमें अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। थर्ड, प्रैक्टिस। हमें अपनी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भाषा और हमारी आवाज़ ठीक हो। फिर पीपल क्वेरीज एंड फीडबैक। हमें अपने प्रेजेंटेशन के एंड के बाद लोगों से उनकी क्वेरीज और फीडबैक को जरूर लेना चाहिए, तभी हमें यह पता चल सकेगा कि उन्हें यह टॉपिक आया है। अपनी स्किल्स को बढ़ाओ और हरियाणा की तरक्की में अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। फर्स्ट, आई एम द बेस्ट। सेकेंड, आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन। थर्ड, आई एम बेस्ट चेंज। फोर्थ, टुडे इज माय डे। फिफ्थ, आई कैन डू दिस। सिक्स, Startup India. 7. Never give up. 8. Believe in yourself. 9. I am the most we are. 10. Work for meaning, not for money. At RIIT, we focus mainly on the practical training of the students
we have designed various programs, different programs for school goers, college goers, housewives, working professionals. We focus mainly on the practical training so that students become market ready and so that they can get better job opportunities. And as you know, IT is the only thing which is desired in every kind of profession. So if anybody think of IT, then he or she should come to RIIT. क्योंकि RIIT कंप्यूटर पढ़ाने का नहीं, कंप्यूटर सिखाने का संस्थान है. और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं बेटियों पर. आपको जाके खुशी होगी कि RIIT जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ज़्यादातर 85-90% वहाँ बेटियाँ ही पढ़ती हैं. तो मैं ज़रूर कहूँगा कि RIIT ऐसा संस्थान है जो आपकी बेटी, बहन, बहू या आपकी माता जी के लिए बहुत एक अच्छा संस्थान है. आप भी ज़रूर आइए, कम एक्सपीरियंस इट, बिकॉज if you want to do something, you have to be skilled. And you, if you need skills, please come to RIIT. Thank you. Namaskar, मेरा नाम राकेश जीमान, मैं हरियाणा का टेक्निकल इंचार्ज टेक्सोस RIIT से. अभी आपने मेरे कुछ बच्चों की वीडियो देखी. ये हमारे RIIT के बहुत होनहार बच्चे हैं और इन्होंने इतना कुछ यहाँ से सीखा है कि आज मैं चाहता हूँ ये मुझे भी चैलेंज कर सकते हैं. तो हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और आईटी में परफेक्ट हो. जय हिंद, जय भारत. मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगी RIIT एंड SBS की मैनेजमेंट का जिसने मुझे SSO अवसर प्रदान किया. मैं आपके कैमरे के सामने धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जहाँ पर हर प्रकार की स्किल्स को निखारा जाता है. मैं सोसाइटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने रोहतक में ऐसा इंस्टीट्यूट का निर्माण करवाया. नमस्कार फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप सभी हमारे व्यूअर्स से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर एक युवा के पास पहुँचाएं जो भी कंप्यूटर सीखना चाहता है और अपने आप को स्किल करना चाहता है. इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू वेरी मच.